अरे कहाँ जा रही हो? इधर से रुको जरा, घूमने आई थी लेकिन इधर मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। ये गांव बेकार है। हाय गाइस, अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें लाखों की तादाद में व्यूज़ आते हैं, जिसमें जो बहुत ही जल्दी ये चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक ऐसा चैनल बनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पे, और आपको बताएंगे कि कैसे आप भी एक कार्टून वीडियो वाला चैनल बना के कैसे लाखों की तादाद में व्यूज़ पा सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपये कमा भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कार्टून वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी, जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी कार्टून वीडियोस जो है, एनिमेटेड वीडियोस जो है आपके सामने होती है, जिसको बच्चे जो है वो खास करके जो स्टोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वीडियो कैसे बनती है, इस वीडियो में जो सॉन्ग्स है या फिर जो डायलॉग है जो वो कैसे लगाते हैं, वो कैसे जो है इसमें सेट करते हैं, मिलियन की तादाद में व्यूज़ आते हैं और जिससे लाखों रुपये जो इसके मालिक हैं इन चैनलों के, वो लाखों रुपये आज कमा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ये जो वीडियोस है, ये जो एनिमेटेड कार्टून वीडियोस है, इसमें म्यूज़िक डायलॉग वगैरह कैसे सेट करते हैं, ये सब बातें जो है आज फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप कैसे भी एक एनिमेटेड चैनल जो है वो आप कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसका जो सर्च बार है उसमें आपने टाइप करना है CTReact, जिसको बोलते हैं। ये एक ऐप का नाम है जिसको यूज़ करके आप ऐसी कार्टून एनिमेटेड वीडियोज़ जो है वो बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुड ऐप है जिसको काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स है वो यूज़ करते हैं। ये कार्टून वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये फटाफट से ओपन हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपने फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है उसको चूज़ करके ओके कर देना है। ये देखिए, अगर ये ना करेक्टर की ऑप्शन है जो साइड पे, जो जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से आपने सेकंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करके, आपने अगर कोई करेक्टर नहीं चाहते हैं तो आपके करेक्टर सारे डिलीट हो जाएंगे। कोई भी आप करेक्टर इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर में, इधर जो ऊपर जो ऑप्शन दी गई उसमें से जो थर्ड वाली ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें इस ऐप की यही बात है कि ये नेटवर्किंग पे चलती है और नेटवर्क ऑन। चलिए फ्रेंड्स, हम करेक्टर वन जो है वो क्या लेना चाहेंगे। हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ली है। फर्स्ट करेक्टर मैंने ये एक यंग मैन को लिया है। इसको हम थोड़ा सा मूव करके पीछे कर देते हैं। अब हमने इसका जो साइज़ है, पहले ये जो नीचे जो लाइन बनी हुई इससे हम इसका साइज़ जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे को करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और पीछे को करेंगे कम करेंगे तो कम हो जाएगा साइज़। ये साइज़ मैंने इसमें से सेलेक्ट कर लिया है। अब जो इसके ऊपर जो पिंक कलर का जो साइन बना हुआ है इसके ऊपर सेलेक्ट कर लें। इससे आप जो ऑप्शंस है काफ़ी ज़्यादा इसमें से दी गई है कि अगर आप कौन सी मोमेंट्स जो है वो अपने करेक्टर से कराना चाहते हैं, आप उसको भगाना चाहते हैं, जब उसे टॉकिंग कराना चाहते हैं, जहाँ उसको जंप कराना चाहते हैं, जहाँ उसको ईटिंग कराना चाहते हैं, फ्लाइंग कराना चाहते हैं, कुछ भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसमें से वॉकिंग का लिया है। वॉक के ऊपर मैंने इसके ऑप्शन पे सेलेक्ट किया है। ये अब ये वॉक करने लग गया है, लेकिन ये वॉक एक ही जगह पे कर रहा है। अब इसको हमने आगे तक लेके आना, तो हमने क्या करना होगा, जो जो साइड पे, राइट साइड पे जो जो प्लस का निशान बना है रिकॉर्डिंग के नीचे, REC लिखा हो ना रिकॉर्डिंग, इसके नीचे जो बना हुआ इसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा मूव करके आगे करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें। फिर आगे थोड़ा सा मूव करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें। फिर थोड़ा सा और आगे करके इसको मूव करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो है वो ऊपर वाले जो जो ब्लैक कलर का, जिसमें जो रेड कलर की ये जो डॉट बनी हुई है रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जी, हम आपको दूसरी एक और बना के दिखाते हैं। आप पहले ना ये जो ऊपर वाले चार जो ऑप्शन दी गई है उसमें से है, जो जो थर्ड ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के पास वाली। ये देखिए, मैंने ये गांव की एक
विलेज की एक फ़ोटो है, बाजार की फ़ोटो है, वो दी गई है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करके साइड वाले जो लेफ्ट हैंड साइड के वो जो सेकंड ऑप्शन, उसके क्लिक करके कोई भी करेक्टर ले सकते हैं। जैसे जी मैंने एक ओल्ड वुमन का करेक्टर जो है वो सेलेक्ट किया है, ये देखिए। अब मैं इसको पीछे कर लेती हूँ। पीछे करने के बाद हम इसको, इसकी मूवमेंट जो है वो पहले लेंगे कि वो इसको हम कराना क्या है। भागते हुए दिखाना, पहले इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर ले। ये देखिए मैंने साइज़ उसका थोड़ा छोटा कर दिया है। अब बताना है कि ये क्या इससे हम करवाना चाहते हैं। ये देखिए ये जो ऑप्शन मैंने ओपन किया है, इसमें बताया गया है कि आप ये जो सेटिंग वाला, ये जो स्टार्स का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसके हाथ में क्या इसके दिखाना चाहते हैं। जैसे कोई इक्विपमेंट है, कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट है, या कोई किसी भी किस्म की कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो आप इस पर सेलेक्ट करके ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की थर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें से जो एक ऑप्शन है चपाती रोलर, वो मैंने सेलेक्ट किया है। ओके कर दे। ओके करने के बाद ये जो है इसके हाथ में डिस्प्ले होगा, सामने इसके हाथ में दिखाई देगा आपको, जैसे ने इसके डंडे के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे डंडा पकड़ के मार्केट में चल रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली जो राइट साइड की जो ऊपर वाली फर्स्ट ऑप्शन थी उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें से आप अगर इसमें इस बाजार में इसमें कोई धुंध दिखाना चाहते हैं, कोई बारिश दिखाना चाहते हैं, कोई भी आप किस तरह का मौसम जो है, वेदर जो है, वो इसमें इससे पता चलता है कि किस किस्म का जो मूवी में, पिक्चर में, वीडियो में जो वेदर है किस किस्म का है। जैसे कोई बर्फ़ पड़ रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, या फिर बारिश हो रही है, इससे आप दिखा सकते हैं। चलिए हम आप इसको बाजार में चलते हुए दिखाते हैं। वॉक के ऊपर क्लिक कर ले, वॉक की ऑप्शन दी गई है। ये सारी ऑप्शन जो है ये अल्फाबेटिकली इसमें दी गई है। चलिए मैंने वॉक वाली ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये चल रही है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे ये इधर से चल के इधर तक जाती है। ये देखिए जैसे ही इस रिकॉर्डिंग पे ऊपर क्लिक कर दें, थोड़ा सा चलाएं और रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दें, फिर थोड़ा सा चलाएं आगे कर दें, फिर रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दें, फिर आप ऊपर जो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन दी गई है उस पर आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है आपकी कैसे बनी है। अगर कोई आप गैलरी में आप ये देखिए पार्टिसल इफेक्ट लिखा हुआ ना, जहाँ पे से आप अपने जो वेदर है वो दिखा सकते हैं अपनी वीडियो में, किस किस्म का आप वेदर रखना चाहते हैं। ये देखिए अब रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कैसे चल के बाजार में, ये देखिए ये कैसे चल के जा रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो बना सकते हैं। अगर आप कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, एनिमेटेड वीडियो आपका चैनल है अगर, तो इस ऐप की हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस जो है वो बना सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। कैसे लगी फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो तब तक चलते हैं फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।